यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। यूपी की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है, जहां लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर पहले हां तो फिर ना करने के बाद आखिरकार यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के मैदान में कूद पड़े हैं। दरअसल आज कन्नौज सीट से अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पहले अटकलें थी कि वे इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपना मन अब बदल लिया है। इस सीट पर उनका मुकाबला भाजपा उम्मीदवार सुब्रत पाठक से है। मैं अभी नामांकन करके आ रहा हूं। मैं अपने प्रेस के साथियों का और हमारे साथ पार्टी का, कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं, यहां के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहां की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। आपको ये बता दें कि सीट से डिंपल यादव ने 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। अखिलेश यादव पहली बार साल 2000 में कन्नौज से सांसद बने थे। उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। सपा ने 3 दिन पहले ही कन्नौज सीट पर अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को स्थानीय नेताओं ने स्वीकार नहीं किया, जिसके चलते पार्टी को अपना फैसला बदलना पड़ा है। ऐसे में सपा के पास इस सीट से अखिलेश यादव से बेहतर विकल्प फिलहाल नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव खुद अब उम्मीदवार बन चुनाव मैदान में उतर गए हैं। बात अगर अखिलेश यादव की करें तो वे 2004 और 2009 में भी इस सीट से सांसद रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा से इस्तीफा देने के चलते 2012 में कन्नौज सीट पर हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव निर्विरोध चुनी गई थी। 2014 के आम चुनाव में भी डिंपल ने इस सीट से जीत दर्ज की थी। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में वह बीजेपी के सुब्रत पाठक से इस सीट पर पराजित हो गयी। कन्नौज में अखिलेश का सामना बीजेपी के सुब्रत पाठक से इस बार भी है। सुब्रत पाठक यहां से मौजूदा सांसद हैं। सुब्रत पाठक कन्नौज से ही चुनाव लड़ते आए हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने डिंपल यादव को इस सीट से हराया था। वहीं अखिलेश यादव के कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव के मैदान में आने को लेकर सुब्रत पाठक ने कहा कि वह अखिलेश की सांप्रदायिक राजनीति समाप्त कर देंगे। कन्नौज को इतिहास रचने की आदत है और 4 जून को कन्नौज नया इतिहास लिखेगा। सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनका जन्म कन्नौज में ही हुआ है। कन्नौज में वह बीजेपी का चेहरा रहे हैं। पार्टी उन पर विश्वास जताती रही है। आपको बता दें कि कन्नौज में वह बीजेपी के मिस्टर भरोसेमंद रहे हैं। 2009 के चुनाव में उन्हें अखिलेश यादव के हाथों हार मिली थी, लेकिन इस बार भी 2014 के चुनाव में पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था और 2019 में भी उन्हें बीजेपी ने यहां से टिकट दिया था और वे कन्नौज से मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। राम गोपाल यादव और उनकी पार्टी सांप्रदायिक जातिवाद और परिवारवाद की पाठशाला से निकली हुई है और ये विनाश की राजनीति करने वाले लोग हैं और ये लूट, आतंकवाद, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग। अभी आपने कहा कि देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच अब मैच है, कौन पाकिस्तानी है कौन हिंदुस्तानी है? देखो, हमने कहा था कि मैच रोचक होना चाहिए। अगर तेज प्रताप लड़ते तो मैच होता भारत और नेपाल के बीच में। अब मैच है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो स्वाभाविक है कि जब वर्ल्ड कप में हमेशा भारत जीतता है। भारत को पाकिस्तान को स्वाभाविक है, हमारी सोच भारतीय है, हम लोग इनकी सोच पाकिस्तानी। पाकिस्तान माने कोई देश नहीं, पाकिस्तान माने एक सोच, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेईमानी, नफरत, लूट। तो ये इस प्रकार की सोच है, तभी तो माफिया के घर जाते हैं। माफिया घर पर जाकर कब्र पर फातिया पढ़ते हैं। क्यों जाते हैं भैया? चौथी बार आप जनता के बीच में आ रहे हैं। नहीं, जनता का आशीर्वाद मुझे मिला था और चूंकि ये लड़ाई कन्नौज बनाम बाहरी की है और मैं कन्नौज से हूँ, अखिलेश तो कन्नौज अपना घर मानते हैं।
उनका गढ़ है कन्नौज मेरा घर है भैया, ये घर और गढ़ की लड़ाई है। वहीं अब बात अगर यूपी के पूर्व सीएम और अब कन्नौज से सपा उम्मीदवार अखिलेश यादव की करें तो वर्तमान में अखिलेश यादव करहल विधानसभा सीट से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। वह 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में करहल सीट से पहली बार विधायक बने थे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अखिलेश 3 बार कन्नौज सीट से सांसद रहे हैं, जबकि 1 बार आजमगढ़ से भी वे चुने जा चुके हैं। कन्नौज सीट से अखिलेश सपा के लिए जीत की गारंटी रहे हैं। आज कन्नौज सीट से नामांकन के दौरान अखिलेश यादव काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। नामांकन से पहले उन्होंने कहा था कि जनता ने मन बना लिया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बनकर आ रहा है और बीजेपी इस चुनाव में इतिहास बन जाएगी। आपको बता दें कि कन्नौज में लोकसभा चुनाव के 4th चरण के तहत आगामी 13 मई को मतदान होने वाला है। इस सीट के लिए नामांकन गुरुवार 25 अप्रैल से शुरू हो गया है। कन्नौज लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, इनमें से 4 विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। कन्नौज में करीब 16% मुस्लिम और 16% यादव आते हैं, साथ ही 15% ब्राह्मण और 10% राजपूत समाज के लोग हैं। इसके अलावा कन्नौज में 39% अन्य समाज के लोग हैं, जहां इसमें सबसे ज्यादा संख्या दलितों की है। ऐसे में अब कन्नौज सीट पर मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि यहां पर भाजपा की ओर से जहां मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक चुनावी मैदान में है, तो वहीं अब अखिलेश यादव ने सपा की ओर से बैटिंग करने का मन बना लिया है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार कन्नौज सीट पर क्या कुछ होता है, क्योंकि इस बार कन्नौज सीट यूपी में एक हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से तेज प्रताप यादव, जो कि अखिलेश यादव के भतीजे हैं, उन्हें चुनाव में उतारने की बात 2 से 3 दिन पहले हो रही थी, लेकिन इससे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में सहमति नहीं बनी और कहा जा रहा है कि पार्टी को डर था कि अगर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नाराज हो गए तो चुनाव में मुश्किल हो सकती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने ऐन वक्त पर अपना मन बदल लिया और खुद अखिलेश यादव कन्नौज सीट से सपा की ओर से उम्मीदवार हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस बार कन्नौज की जनता इन दोनों ही कैंडिडेट्स में से किस पर भरोसा करती है, या फिर कोई निर्दलीय या फिर अन्य कोई उम्मीदवार कन्नौज सीट से बाजी मार ले जाता है।